हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपन्निता। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइज एंड डेकोर आइडिया। सो डाइनिंग टेबल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम अपने फैमिली के साथ बहुत सारे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और खाना खाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है डाइनिंग टेबल में हम रैंडमली कुछ भी रख देते हैं, जैसे जिससे जो डाइनिंग टेबल है वो बहुत क्लटर हो जाता है। सो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कैसे मैं मेरा जो डाइनिंग टेबल है उसको डेकोर करती हूँ डेली पर्पसली, और जब ऑकेशन होता है उसमें भी मैं कैसे डाइनिंग टेबल को डेकोर करती हूँ और करना चाहिए, ऐसा कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरे चैनल और वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना और जुड़े रहना बेटर लाइफ के साथ। तो ये रहा मेरा 6 सीटर डाइनिंग टेबल, बट हम लोग बहुत ही कम लोग हैं इसलिए स्टार्टिंग से ही 4 सीटर यूज़ करती हूँ। उसके बाद मेरा छोटा सा बेबी है जो अंडर 2 ईयर है, सो उसके लिए भी एक सेपरेट चेयर है जो मैं यहाँ पे सेट करती हूँ। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग से। सो मैं यहाँ पे किचन क्लीनर से अच्छे से टेबल को क्लीन कर रही हूँ। अगर आप अपने डाइनिंग टेबल को बहुत ही सिंपल रखना चाहते हो, ऐसे फ्लावर वास विथ अ फेक फ्लावर यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो रियल प्लांट भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे जितने भी फ्लावर वास पॉट यूज़ कर रही हूँ सब फेक है। तो लास्ट जो फ्लावर वास आप देख रहे हो ये मेरा DIY फ्लावर वास है। ये एक्चुअली फ्लावर वास नहीं है, ये बोतल है। मैं कुछ लंबा स्टिक वाला जो फ्लावर है उसको रख गया। नाउ बात करते हैं डेकोर फॉर डेली पर्पस। डेली डेकोर करने के लिए आप ऐसे रानाड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं उसके ऊपर एक वुडन ट्रे रख रही हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो ये एक बहुत ही स्वीट सा एक कोस्टर होल्डर विथ कोस्टर है जो है वुडन का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और इसमें गोल्डन का कुछ वर्क है तो गोल्डन और वुडन का जो कॉम्बिनेशन है ये भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद रख रही हूँ एक छोटा सा पॉट जो है व्हाइट कलर का, एंड उसके साथ कुछ कलरफुल जो फ्लावर स्टिक है उसको रख रही हूँ। नेक्स्ट एक बहुत ही प्यारा सा सॉल्ट एंड पेपर होल्डर है उसको रख रही हूँ। उसके बाद फ्रंट में 2 टीलाइट कैंडल होल्डर रख रही हूँ। सो उसके बाद आप देख सकते हो कितना सिंपल सा बट बहुत ही सुंदर सा एक लुक लग रहा है। अगर आप रानर को डेली वेयर में यूज़ नहीं करना चाहते हो तो ऐसे सिंपल भी रख सकते हो, सिर्फ वुडन का ट्रे और उसके ऊपर जो भी आपका डेकोर का चीज़ है वो रख सकते हो। साइड में मैं एक टिश्यू होल्डर में टिश्यू रख रही हूँ। आप ऐसे भी रख सकते हो, छोटा सा फोल्ड करके रनर को यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप पॉट नहीं यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे बाउल होता है विथ फेक फ्लावर उसके साथ भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद लाइटिंग के लिए इसके अंदर एक लाइटिंग स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही मुझे पसंद है, ये वाला जो लाइट है ये बहुत ही अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है। आप डेकोर पार्क पर यूज़ कर सकते हो। मैं सबका लिंक, जितना भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहो तो ऐसे मैट भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे रेड कलर की मैट यूज़ कर रही हूँ। कोई भी ओकेशन है आप मैट यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे रेड कलर की मैट यूज़ कर सकते हो, तो आपका जो डाइनिंग टेबल है बहुत ज़्यादा ब्राइट लगेगा। अगर मैट को ऐसे ऑल टाइम के लिए प्लेस करना आप पसंद नहीं करते हो तो आप मैट को डेकोर ट्रे के नीचे भी प्लेस कर सकते हो, आपको जब जरूरत होगा तब यूज़ कर लेना। नेक्स्ट आते हैं आप अपने डाइनिंग टेबल को कैसे फेस्टिव सीजन में या अपने आपके घर में अगर कुछ पार्टी चल रहा है उसमें डेकोर कर सकते हो। फर्स्ट मैं यहाँ पे रेड और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन की एक राना लिया हूँ जो आपकी टेबल को फेस्टिव लुक देगा। उसके बाद मैं एक ट्रे ले रही हूँ वो भी गोल्डन कलर की, उसमें मिरर भी है। आप राना को ऐसे कॉर्नर में भी प्लेस कर सकते हो। उसके बाद एक गोल्डन कलर की फ्लावर वास ले रही हूँ विथ फेक फ्लावर। उसके बाद मेरा जो वुडन का कोस्टर होल्डर है विथ कोस्टर उसको प्लेस करूंगी। उसके बाद मेरा सॉल्ट और ब्लैक पेपर होल्डर रख रही हूँ। आप चाहो तो रेड गोल्डन की थीम में गोल्डन फ्लावर वास ना रख के व्हाइट फ्लावर वास भी रख सकते हो। ऐसे फ्लावर बाउल भी यूज़ कर सकते हो विथ लाइटिंग, ये भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं साइड में टिश्यू बॉक्स होल्डर रख रही हूँ। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आपके घर में गेस्ट इनवाइटेड हैं तो आप अपने जो डाइनिंग टेबल है उसको कैसे प्रेजेंट करोगे। तो फर्स्ट जो मेरा रेड कलर की टेबल रनर है उसको मैं टेबल की मिडिल में सेट करूँगी। उसके बाद चारों तरफ जो मेरा मैट है उसको लगाऊंगी। नेक्स्ट एक एक करके जितने भी प्लेट स्पून फॉग ग्लास उसको रखूँगी। कोई भी फेस्टिवल में अगर अपने घर को अच्छे से सजाते हो देखने में भी तो सुंदर लगते ही हैं और फील भी गुड होता है क्योंकि आपके आसपास फेस्टिव फील होता है।
बाद हैंकी भी रखूँगी। अगर हैंकी को इतना ज़्यादा आप डेकोर नहीं करना चाहते हो तो आप नॉर्मल भी रख सकते हो, ऐसे सिंपल फोल्ड करके रख सकते हो। अगर आप हैंकी को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हो थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी होता है हैंकी फोल्ड करने का, तो मैं एक एक करके बाकी हैंकी को भी फोल्ड कर लूँगी। सो लग रहा है ना होटल वाला लुक, सो आप भी कर सकते हो। अब देख सकते हो कितना अच्छा लुक आ रहा है। सो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो डू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, बेल बटन भी प्रेस करके रखना और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करके रखना, क्योंकि मैं मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसमें मेरा लेटेस्ट अपडेट देते ही रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहे, खुश रहे, बाय।